अभी लेगा अपना बदला प्रज्ञा से और प्रज्ञा को पता चल जाएगा कि घर को खरीदने वाला और कोई नहीं बल्कि अभी ही है और होगी प्रज्ञा प्राची की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में घर की नीलामी को रोकने के लिए अभी ने रूप बदल कर 240 करोड़ रुपए में घर की बोली लगाकर नीलामी को जीत लेने की वजह से। सबसे बड़े राज का खुलासा तब होगा जब आने वाले एपिसोड में प्रज्ञा मिस्टर सलूजा को यानी कि अभी को घर के लिए कांग्रेचुलेशन कहने जा रही होगी। तभी प्रज्ञा को टोपी वाला इंसान यानी कि सलूजा पर डाउट होगा कि ये कहीं अभी तो नहीं। लेकिन जब प्रज्ञा कांग्रेचुलेशन कहकर हाथ मिलाएगी तब अभी प्रज्ञा से हाथ मिलाएगा, जिससे प्रज्ञा को कंफर्म यकीन हो जाएगा कि ये और कोई नहीं बल्कि अभी ही है। और अभी प्रज्ञा का हाथ पकड़ के प्रज्ञा के हाथ में किस करेगा, जिससे प्रज्ञा को काफी बड़ा शॉक लगेगा और प्रज्ञा गुस्से से अभी की टोपी हटा देगी, जिससे अभी का चेहरा प्रज्ञा के सामने आ जाएगा और अभी को देखकर प्रज्ञा की माँ को काफी बड़ा शॉक लगेगा और अभी कहेगा कि मैंने कहा था ना कि मैं ऑक्शन को रोक दूंगा और इस घर को नीलाम नहीं होने दूंगा, जिसे सुनकर प्रज्ञा को काफी बड़ा शॉक लगेगा और अभी बड़ा खुलासा करेगा कि मिस्टर असली सलूजा वहाँ घर के बाथरूम में बंद है, जाकर तुम्हारे नौकरों को बोलो कि उसे बाथरूम से बाहर निकाले, जिसके बाद अभी वहाँ से चला जाएगा। और लेकिन प्राची प्रज्ञा की मुलाकात तब होगी जब दूसरे दिन पेपर में यह खबर छपेगी कि प्रज्ञा का मेहरा मेंशन मिस्टर सलूजा ने खरीद लिया है। यह खबर पेपर में छपेगी तब प्राची को पता चलेगा कि उसकी माँ प्रज्ञा जिंदा है, जिस वजह से प्राची पेपर में खबर पढ़ के अपनी माँ प्रज्ञा को मिलने जाएगी लेकिन प्रज्ञा प्राची को नहीं मिलेगी। और इसीलिए प्राची यह खबर अपने पापा यानी कि अभी को बताने के लिए फोन करेगी और जब पूरे 2 साल बाद अभी प्राची का फोन उठाएगा तब प्राची अपने पापा अभी के साथ बात करके काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और प्राची अभी को कहेगी कि मामा जिंदा है, क्योंकि पेपर में खबर आई है कि मेहरा मेंशन मामा ने किसी मिस्टर सलूजा को बेच दिया है, जिसे सुनकर अभी खुलासा करेगा कि वो मिस्टर सलूजा और कोई नहीं बल्कि मैं ही था और मुझे पता है कि तुम्हारी मामा प्रज्ञा जिंदा है, जिसे सुनकर बेचारी प्राची को काफी बड़ा शॉक लगेगा और कैसे भी करके प्राची अपनी मामा से मिलने के लिए प्रज्ञा के ऑफिस जाएगी लेकिन प्रज्ञा वहाँ भी नहीं मिलेगी। लेकिन जब प्रज्ञा को सीसीटीवी कैमरे के जरिए पता चलेगा कि उसकी बेटी प्राची उससे मिलना ही है तब कैसे भी करके प्रज्ञा प्राची के घर का पता लगाकर प्राची के घर प्राची से मिलने जाएगी और ये सब देखने में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और लेकिन अभी प्रज्ञा एक हो जानी चाहिए या नहीं और प्राची प्रज्ञा की मुलाकात होनी चाहिए या नहीं और यहाँ आने वाले एपिसोड के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।